तो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी एंड बीएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यहाँ देख सकते हैं सेंटअप एग्जाम 2021 फाइनल एग्जाम रिविजन वीडियो, यानी ये वीडियो आपके फाइनल एग्जाम के लिए रिविजन वीडियो है और 30 मार्क्स गारंटी। यानी यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप लोगों को 30 नंबर आपके इंटर की परीक्षा में जरूर मिलेंगे। और बिजनेस स्टडी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर, यानी इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, प्रबंध एक विज्ञान है स्पष्ट कीजिए। मैनेजमेंट इज अ साइंस एक्सप्लेन। प्रबंध एक विज्ञान है स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा, प्रबंध एक सार्वभौमिक विषय है, इसके सिद्धांत और नियम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब इसके सिद्धांत और नियम जो है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग परिणाम यानी रिजल्ट उत्पन्न कर सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांत परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, जिस कारण इसके प्रयोग से हर समय समान परिणाम नहीं निकलते। यही कारण है कि अर्नेस्ट डेल ने प्रबंध को मुलायम अथवा मृदु विज्ञान कहा है। यह आपका जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि प्रबंध को मुलायम अथवा मृदु विज्ञान किसने कहा है, तो अर्नेस्ट डेल ने। आपको इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको इंटर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रबंध को मुलायम अथवा मृदु विज्ञान किसने कहा है, तो आपको टिक करना होगा अर्नेस्ट डेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन, समन्वय के दो लाभों को बताइए। गिव टू एडवांटेज ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय जो है, कोऑर्डिनेशन जो है, उसके दो लाभ यानी प्रॉफिट को हम लोगों को बताना है, एडवांटेज को बताना है। तो आंसर आपको लिखना होगा, पहला नंबर आदेशों एवं निर्देशों की एकता, और दूसरा नंबर मानवीय संबंधों पर बल। पहला नंबर आदेशों एवं निर्देशों की एकता, और दूसरा मानवीय संबंधों पर बल। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आंसर होगा FW टेलर के अनुसार, आपको लिखना होगा FW टेलर के अनुसार, उसका टिक करके डैश। वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या कराना चाहते हैं, तथा यह देखना चाहते हैं कि वह उसको सुंदर तथा सस्ते ढंग से करें। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। और चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों होती है। व्हाई इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नेसेसरी। प्रबंध के सिद्धांत जो है उसकी आवश्यकता क्यों होती है, व्हाई इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नेसेसरी। तो आंसर आपको लिखना होगा, पहला नंबर कार्यकुशलता में वृद्धि, यानी कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए जो है प्रबंध के सिद्धांत की आवश्यकता होती है। तो पहला नंबर कार्यकुशलता में वृद्धि, दूसरा नंबर सही दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली के विकास में योगदान, तीसरा नंबर प्रशिक्षण में सुविधा, चौथा नंबर प्रबंध की शोध में रुचि, पांचवा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति, और छठा भौतिक तथा मानवीय संसाधनों में समन्वय। नेक्स्ट हम लोगों का पांच नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्यवसाय में सामाजिक वातावरण क्या भूमिका निभाता है। व्हाट रोल डज सोशल एनवायरनमेंट प्ले इन द बिजनेस, यानी व्यवसाय में सामाजिक वातावरण जो है वो क्या भूमिका निभाता है। तो आंसर आपको लिखना होगा, समाज तथा संस्कृति प्रबंध का आधार है। प्रबंध का आधार क्या है, तो समाज तथा संस्कृति। प्रबंधक को सामाजिक ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत सामाजिक मूल्य, सामाजिक परंपराएं, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक मान्यताएं, शिक्षा, सामाजिक विश्वास आदि आते हैं। और हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निजीकरण के दो लाभ लिखिए। निजीकरण जो है उसके दो लाभ को लिखिए या फिर बताइए। राइट टू एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, यानी निजीकरण के दो लाभ को लिखिए। तो आंसर आपको लिखना होगा, पहला नंबर निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि, और दूसरा निजी क्षेत्र के उद्योगों के विकास एवं विस्तार को प्रोत्साहन। निजीकरण के दो लाभ लिखिए, निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि और निजी क्षेत्र के उद्देश्यों के विकास एवं विस्तार को प्रोत्साहन। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को इस चैनल पे, यानी एंटर फ्री क्लास जो यूट्यूब चैनल है हमारे, इस चैनल पे आप लोगों को एवरी डे यानी प्रतिदिन शाम 7 बजे, यानी इस टाइम पे जो आप लोगों का शाम 7 बजता है ना, एवरी डे शाम 7 बजे 7 PM को लाइव क्लास होती है।
सो अगर आप जो है कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप लोग अच्छे तरीके से आपके इंटर की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग एवरीडे यानी डेली जो है शाम 7 बजे लाइव से जरूर जुड़िएगा। उसमें आप लोगों को काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है जिससे आप लोगों की इंटर की परीक्षा की बेहतर ढंग से तैयारी हो सके। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने अकाउंट VST EPS और इकोनॉमिक्स हिंदी एंड इंग्लिश की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। और कंप्लीट देखने के बाद अंत में आपको इस बॉक्स में, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इस बॉक्स में आपको एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों की अकाउंट की वीडियो होगी, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए जो है हर सब्जेक्ट से 200 यानी 200-200 करके ऐसा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊंगा और उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही आप लोगों के इंटर की परीक्षा में पूछा जाएगा, मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेगा। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए जिससे कि आपको वो वीडियो मिल सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, उद्देश्यों एवं नीतियों में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, उद्देश्यों एवं नीतियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर आपको लिखना होगा उद्देश्यों एवं नीतियों में अंतर, आपको लिखना है उद्देश्य। उद्देश्य वे बिंदु है जिन्हें प्राप्त किया जाता है, बिना उद्देश्य के किसी भी संस्था की स्थापना नहीं हो सकती, अतः यह अति आवश्यक है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए ही अन्य योजनाएं बनाई जाती है। आपको करना क्या होगा, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी चीज़ में अंतर स्पष्ट करें, तो आप लोगों को पहले कॉपी को दो भागों में बांटना होगा, आपका जो पेज है उसे दो भागों में बांटना होगा, एक साइड लिखना होगा एक तो और दूसरे साइड दूसरा, ठीक है। जैसे यहाँ पूछा गया उद्देश्य एवं नीति, तो आपको एक साइड में उद्देश्य और एक साइड में आपको नीतियाँ लिखना होगा, और उद्देश्य साइड में आपको ये लिखना होगा और नीतियाँ साइड में आपको नीचे जो है इतना लिखना होगा, ठीक है, नीति साइड में आपको इतना लिखना होगा। तो चलिए हम लोग कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन फिर से, उद्देश्यों एवं नीतियों में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज। तो आंसर उद्देश्यों एवं नीतियों में अंतर, एक साइड उद्देश्य दूसरे साइड नीतियाँ, तो उद्देश्य साइड में अब हम लोग लिखेंगे, उद्देश्य वे बिंदु है जिन्हें प्राप्त किया जाता है, बिना उद्देश्य के किसी भी संस्था की स्थापना नहीं हो सकती, अतः यह अति आवश्यक है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए ही अन्य योजनाएं बनाई जाती हैं। अब आप लोगों को लिखना होगा नीतियां साइड में, नीतियां, नीतियां उद्देश्य प्राप्ति का साधन होती है, इनका निर्धारण करना इतना आवश्यक नहीं है, यह बनाई भी जा सकती है और नहीं भी, केवल पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, संगठन के कोई दो दोष बताइए, गिव एनी 2 डेमेरिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन जो है उसका कोई दो दोष को यानी अवगुण को बताना है। तो आंसर आपको लिखना होगा, पहला नंबर, विभिन्न प्रभागों में कोषों के आवंटन को लेकर झगड़े हो जाते हैं, और दूसरा, इसमें काम की दोहराई बार बार हो जाने से लागत मूल्य बढ़ सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संगठन प्रक्रिया को समझाइए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन जो है उसके प्रक्रिया को समझाना है। तो आंसर है पहला नंबर, संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना, दूसरा, विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण, तीसरा, क्रियाओं का श्रेणीबद्ध किया जाना, और चौथा, कर्मचारियों के मध्य कार्य का आवंटन। संगठन प्रक्रिया को समझाइए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला नंबर संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण, दूसरा, विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण, तीसरा, क्रियाओं का श्रेणीबद्ध किया जाना, और चौथा, कर्मचारियों के मध्य कार्य का आवंटन। आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भर्ती के आंतरिक स्रोत कौन कौन से हैं, भर्ती जो है उसके आंतरिक स्रोत कौन कौन से हैं, व्हाट आर द इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी भर्ती के आंतरिक स्रोत कौन कौन से हैं। आंसर देख लीजिए, भर्ती के आंतरिक स्रोत, पहला, स्थानांतरण, दूसरा, पदोन्नति, तीसरा, अस्थाई अलगाव, और चौथा नंबर, जबरी छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारियों को वापस काम पर बुलाना, और पांचवा, सेवा वृद्धि। भर्ती के आंतरिक स्रोत में कौन कौन है, तो ये पांचों है, तो आप इसको याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्रशिक्षण के किन ही दो आवश्यकता को समझाइए, डिस्क्राइब एनी 2 नीड्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण जो है उसके किन ही दो आवश्यकता को समझाइए। आंसर आपको लिखना होगा, पहला नंबर, कर्मचारियों द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, दूसरा, उत्पाद एवं सेवाओं के गुण में सुधार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, निर्देशन की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ डायरेक्टिंग, निर्देशन की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ डायरेक्टिंग। तो आंसर आपको लिखना होगा, पहला नंबर, प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य, दूसरा,
प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर आवश्यक, तीसरा सतत प्रक्रिया, चौथा मानवीय निष्पादन से संबंधित, पांचवा विभिन्न तत्वों का समूह, छठा तीसरे उद्देश्य एवं लास्ट जो है सातवां सात नंबर निर्देशन का प्रवाह। प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य, प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर आवश्यक सतत प्रक्रिया, मानवीय निष्पादन से संबंधित विभिन्न तत्वों का समूह, तीसरे उद्देश्य एवं निर्देशन का प्रवाह, ये सात को आपको याद रखना है। ये सभी निर्देशन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, नेतृत्व के कोई दो गुण बताइए, मेंशन एनी टू क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, यानी नेतृत्व जो है उसके कोई दो गुण को बताना है। तो आंसर पहला नंबर शारीरिक गुण फिजिकल क्वालिटीज, दूसरा नंबर बौद्धिक गुण इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज। ठीक है, नेतृत्व के कोई दो गुण बताइए, शारीरिक गुण और बौद्धिक गुण। नेक्स्ट हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, कार्यशील पूंजी की परिभाषा दीजिए, डिफाइन वर्किंग कैपिटल, यानी कार्यशील पूंजी जो है उसकी परिभाषा दीजिए, मतलब कि कार्यशील पूंजी क्या है, कार्यशील पूंजी से आप क्या समझते हैं, या फिर कार्यशील को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कीजिए। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सबका आंसर जो है वो सेम लिखना है। तो आंसर आपको लिखना होगा कार्यशील पूंजी का अर्थ मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी का अर्थ मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्व के अंतर को कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, तो चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्व के अंतर को, कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंध के कोई दो महत्व लिखिए, राइट एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध जो है उसके कोई दो महत्व को लिखना है। तो आंसर आपको लिखना होगा अनुकूलतम विनियोग निर्णय, दूसरा अनुकूलतम वित्तीय निर्णय। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पूंजी बाजार की परिभाषा दीजिए, डिफाइन कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार की परिभाषा दीजिए, डिफाइन कैपिटल मार्केट। तो आपका आंसर लिखना होगा पूंजी बाजार की परिभाषा, पूंजी बाजार दीर्घकालीन वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है, पूंजी बाजार के अंतर्गत हम उन सभी सुविधाओं एवं संस्थाओं को सम्मिलित करते हैं जो दीर्घकालीन समय के लिए धन उधार लेने और देने का कार्य करती है, अर्थात पूंजी बाजार में दीर्घकालीन ऋणों के लेन देनों का बोध होता है। आगे हम लोगों का 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ताओं के कोई दो उत्तरदायित्व बताइए, स्टेट एनी टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, यानी उपभोक्ताओं के कोई दो उत्तरदायित्व बताइए। तो आंसर आपको लिखना होगा पहला नंबर क्रय में जल्दबाजी ना करें, और दूसरा गुणवत्ता से समझौता ना करें। और नेक्स्ट हम लोगों का 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण से क्या आशय है, व्हाट इज मेंट बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन, व्हाट इज मेंट बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी उपभोक्ता संरक्षण से क्या आशय है। तो आंसर होगा उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ है उत्पादकों और व्यापारियों द्वारा उपभोक्ता हितों के विरुद्ध की जाने वाली व्यापारिक कार्यवाही के विरुद्ध उपभोक्ताओं का आश्वासन देना, उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध की जाने वाली व्यापारिक कार्यवाही में मिलावट, निम्न गुणवत्ता की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति, कम तोल और माप, अधिक कीमत वसूलना, विज्ञापनों में भ्रामक दावे करना आदि शामिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के दो कार्य बताइए, स्टेट टू फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के दो कार्य बताइए। यह दो कार्य पूछा गया था, पर मैंने पांच कार्य बता दिया है जिनमें से आपको दो याद रखना है। तो प्रबंध के कोई दो कार्य बताइए, पहला होगा नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो है अकाउंट आपका जो सेंटअप एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे जैसे जिनका मतलब कि सेंटअप एग्जाम हुआ है, जैसे अकाउंट का किसी का हुआ है, किसी का VST का, किसी का इकोनॉमिक्स का, किसी का EPS का, किसी का हिंदी का, किसी का इंग्लिश का, लेकिन ऑल सब्जेक्ट का अभी तक किसी का नहीं हुआ है। तो जिसका जिसका अभी तक नहीं हुआ है और जिसका हो चुका है वो मिलान कर लीजिएगा, और जिसका नहीं हुआ है वो जो है अकाउंट, VST, EPS, इंग्लिश, हिंदी और इकोनॉमिक्स का जाके वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपके भी सेंटअप एग्जाम में सेम आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप मतलब कि आसानी से अच्छा खासा मार्क्स उठा लोगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।